माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था। माननीय मंत्री जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक? 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक एज ग्रुप में संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये अच्छी है, बात अगर मुख्यमंत्री 86 में छप्पन बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56, सी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आज फिर आप बोले, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ 17 से 22 में मुझे साल के जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा हूँ मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए,